नमस्कार दोस्तों, एपीएच न्यूज़ पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज खबरों की शुरुआत करते हैं आर्मी की भर्ती को लेकर है। आर्मी भर्ती 2021 भारतीय सेना ने हरियाणा के 4 जिलों में भर्ती रैली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 28 अगस्त 2021 तक का टाइम दिया गया है। 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात और पलवल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी सेना की ओर से 15 जुलाई 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि में 10 दिनों का समय शेष बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, वह सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए 28 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन जिलों में भर्ती रैली 6 नवंबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक प्रस्तावित। गुरुग्राम में 3 घंटे में 4 कत्ल, रिटायर्ड फौजी ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम। गुरुग्राम में रिटायर्ड फौजी ने दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। सबकी वजह से रिटायर्ड फौजी ने एक एक कर कुल 5 लोगों को धारदार हथियार से काट डाला, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 साल की बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। हत्या करने के बाद रिटायर्ड फौजी ने थाने में जाकर खुद ही सरेंडर कर दिया। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में ये वारदात हुई है। रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एक रिटायर्ड फौजी अपने ही घर में एक के बाद एक लोगों को काटता रहा। पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 5 बजे राय सिंह नाम का एक रिटायर्ड फौजी थाने पहुंचा और थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों के सामने उसने चौंकाने वाला ये बयान। रोहतक में गैस कटर से ATM कार्ड 3.61 लाख उड़ाए। मेवात के गिरोह की ओर घूमी सक्की सुई। रोहतक के खरावड़ में स्थित यूको बैंक के ATM का ताला तोड़कर चोरों ने रविवार रात वारदात को अंजाम दिया था। ATM को गैस कटर से काटकर कैश ट्रे चोरी कर ले गए। इसी पैटर्न पर पहले भी ATM में चोरी की कई वारदातें हो चुकी। फरीदाबाद में आत्महत्या की कोशिश। लड़की के परिजन झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर मांग रहे थे 15 लाख रुपये। युवक ने ट्रेन से कटकर जान दी। एक युवक अपने गांव की लड़की से प्रेम करता था। लड़की शादी के लिए तैयार भी थी, लेकिन परिजन इसका विरोध कर रहे थे। इसके चलते लड़की युवक के साथ कहीं चली गई। इसके चलते परिजनों ने युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी। पुलिस ने लड़की बरामद कर ली, लेकिन लड़की ने कोर्ट में युवक के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उसके साथ ही रहने की इच्छा जताई। दबंग लड़की के परिजन युवक को सबक सिखाना चाह रहे थे, इसके चलते लड़के ने ट्रेन के सामने कटकर आत्महत्या। पलवल के होडल शहर के अस्पतालों में इन दिनों खांसी जुकाम के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिविल अस्पताल में भी इन दिनों रोजाना करीब 100 में से 40 मरीज खांसी जुकाम के लक्षणों वाले आ रहे हैं। हालांकि चिकित्सक सभी की कोरोना जांच भी करवा रहे हैं। सिविल अस्पताल में कार्यरत फिजिशियन डॉक्टर पंकज ने बताया कि यह मौसमी बीमारी है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीजों की डेंगू और मलेरिया की भी जाँच करवाई गई है और इनमें से मरीज में डेंगू, मलेरिया और कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं। मौसम में बदलाव आ रहा है, इसी उतार चढ़ाव के कारण लोगों में खांसी जुकाम के लक्षण उभर रहे हैं। हरियाणा असेंबली विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, वॉकआउट। सरकार ने पेपर लीक रोकने को पेश किया संशोधित बिल। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस बार मानसून सत्र 3 दिनों का रखा गया है। आज विधानसभा में 5 विधेयक पेश किए गए। विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर आमने सामने आ गए। हरियाणा में अगले 4 दिनों में फिर बनेगी मानसून ब्रेक की स्थिति। हिमालय की तलहटियों में गई मानसूनी हवा। मौसम परिवर्तन से हरियाणा में 27 अगस्त तक आमतौर पर मौसम परिवर्तन रहने के बीच बीच में आंशिक बादल और हल्की गति से पश्चिमी हवा चलने की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने की भी संभावना। हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। एजाज और राजकुमार सालों से परिचित, पहले करवाते थे जम्मू से JVT। हरियाणा पुलिस पेपर लीक मामले में एक नया खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर से JVT कोर्स कराने के दौरान हुई थी राजकुमार व एजाज अमीन की मुलाकात। कई युवकों को जम्मू कश्मीर से JVT का कोर्स भी करवा चुका है राजकुमार। बालाजी अकेडमी संचालक रमेश भी था दोनों के संपर्क में। सरकारी नौकरी। यूपी में 10वीं पास के लिए निकली बंपर नौकरियां। 40 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। कोई भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजित नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों के 10वीं के नंबर के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवार 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने के पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश में 10वीं पास और ITI डिप्लोमा धारकों के लिए भी बंपर सरकारी नौकरियाँ निकली हैं।
डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक GDS के लिए 4,226 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सभी जरूरी जानकारियां उम्मीदवार जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। apost.in पर इनके बारे में जानकारी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ई श्रम पर कार्ड बनाए जाएंगे। ई श्रम पर CSE करेगा 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कर्मकों को पंजीकृत। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बनाया जाएगा, जिसके अंदर भारत सरकार के अनुसार असंगठित क्षेत्र में आने वाले सभी श्रमिकों के कार्ड CSE में बनेंगे। इसमें छोटे और मध्यम किसान, कृषि क्षेत्र मजदूर, पशुपालन श्रमिक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, कारपेंटर, नाई, नमक कार्य श्रमिक, ईंट व पत्थर कार्य श्रमिक, घरेलू कार्य श्रमिक, सब्जी और फल रेहड़ी, न्यूज़पेपर वेंडर, रिक्शा ऑटो ड्राइवर आदि इसी के दायरे में लाए जाएंगे। इसके लिए मजदूर श्रेणी में अगर कोई है और अपना कार्ड बनवा सकता है। श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष तक होगी। श्रमिक इनकम टैक्स की श्रेणी में नहीं आता हो। श्रमिक EPFO या ESIC का लाभ न ले रहा हो, केवल असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो। अपना कार्ड 26/8/2021 से बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और प्रमाण पत्र का होना। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और चर्चित खबरों के साथ। इसी तरह चैनल और वीडियो के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।